एवरीवन, दिस इज सकीना अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स लर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट डिमांडेड वीडियो। तुम सभी लोगों के काफी सारे कमेंट्स आए थे कि दीदी आपने क्लास 10th वालों का पूरा कंप्लीट रिड्यूस सिलेबस अपलोड कर दिया है, बट व्हाट अबाउट क्लास 11th? आप आपके क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स को भूल गए जो क्लास 11th में प्रमोट हुए? तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चा बाटी। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सीबीएसई सर्कुलर, और सीबीएसई का सर्कुलर हो चुका है आउट। तो चलिए यार लेट्स चेक इट आउट कि आप लोगों के सिलेबस में क्या क्या चीजें डिलीटेड है, क्या क्या चीजें कंप्लीटली पूरे चैप्टर्स डिलीटेड है, कौन कौन से टॉपिक्स डिलीटेड है, और क्या आप लोग पुरानी एनसीईआरटी बाय कर सकते हैं, यानी डिस्कस करते हैं। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले फिजिक्स के रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से 2024-2025 बोर्ड के हिसाब से। तो चलिए यार फटाफट से मैं जो जो चीजें बोल रही हूँ पेन कॉपी उठा लो, टिक मार्क करना स्टार्ट कर दो और थैंक मी लेटर। और नए हो चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि क्लास 11th में थ्रू आउट द ईयर मैं ही तुम्हारी हेल्प करने वाली हूँ। सर्कुलर पर चलते हैं और मैं बताती हूँ आप लोग को सारे चैप्टर वाइज कौन कौन सी चीजें रिलेटेड है। तो बच्चों ये आप लोग सीबीएसई का सर्कुलर देख पा रहे होंगे, फिजिक्स आप लोग का 11th 12th का, ठीक है। तो यहाँ पर बिसाइड द सिलेबस आल्सो अटेम्प्ट टू, ये सारी चीजें आप लोग को दी हुई है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की। तो यूनिट नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों यूनिट नंबर 1 की। तो यूनिट नंबर 1 में फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट तो ये पूरा ही डिलीटेड है, ये नहीं आ रहा है इस बार। सेकंड चैप्टर पर बात करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो इसमें डिलीटेड टॉपिक्स है सिर्फ और सिर्फ एरर्स, बाकी जितने भी सब टॉपिक्स आप लोग को दिख रहे हैं ये इंटायर आप लोग के सिलेबस में है। ये इस वजह पर यूनिट सेकंड की बात करते हैं डाटा काइनेमेटिक्स, इसमें आप लोग का चैप्टर नंबर 3 जो होता है मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, तो इसमें कुछ भी डिलीशन नहीं है, सभी चीजें आप लोग को दुख के साथ बताना पड़ेगी, सभी चीजें आप लोग को पढ़ना पड़ेगी। चलो अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर नंबर 5th की अगर हम लोग बात करें बच्चों यहाँ, तो इसमें भी कुछ रिलेशन नहीं है। अच्छा एक चैप्टर छूट गया, चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन, तो इस चैप्टर में आप लोग की रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटेड है, बाकी इंटायर चैप्टर जैसा है वैसा ही आप लोग को पढ़ना है। चलिए चैप्टर नंबर 6 पर चलते हैं बच्चों, यहाँ पर है आप लोग का वर्क एनर्जी एंड पावर, तो इसमें डिलीटेड टॉपिक जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसके अलावा इंटायर जितने सब टॉपिक्स है यू हैव टू स्टडी। चलिए चैप्टर नंबर 7 पर चलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, तो डिलीटेड टॉपिक्स इसमें से 2 है, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही डिलीट कर दिए, तो तुम सोच लो चैप्टर बड़ा आसान हो गया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी काफी बार पूछी जाती थी, बट अब आपको क्या मतलब है इस चीज से, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 पर चलते दैट इज ग्रेविटेशन, तो इसमें से डिलीटेड टॉपिक जो है वो है सैटेलाइट, तो सैटेलाइट आप लोग को अब नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9 पर चलते बच्चों, तो चैप्टर नंबर 9 आप लोग का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो इसमें डिलीटेड टॉपिक आप लोग का है शियर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, तो ये वाला टॉपिक डिलीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 10 दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो इसमें से कुछ भी डिलीशन नहीं है, पूरा चैप्टर आप लोग को एज इट इज पढ़ना है। चैप्टर नंबर 11 पर बात करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें जो रिलेटेड टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स में एक ही रिलेटेड टॉपिक है वो है हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 13 पर बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी पर, तो इसमें कुछ भी डिलीशन नहीं है, पूरा चैप्टर एज इट इज आप लोग को दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 14 दैट इज ऑसिलेशन, तो इसमें से काफी सारी चीजें डिलीटेड है, जैसे फ्री फोर्स डैम्प्ड ऑसिलेशन और रेजोनेंस, ठीक है, तो ये एक टॉपिक और ये दूसरा टॉपिक आप लोग का डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 15 दैट इज वेव, वैसे भी एक ही टॉपिक डिलीटेड है दैट इज ड्रॉपलर इफेक्ट, तो ये वाला टॉपिक डिलीटेड है। चलो बात करते बच्चों ये तुम्हारे प्रैक्टिकल्स का कुछ चीजें दी हुई है कि प्रैक्टिकल्स में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल्स होता है और सो ऑन, ठीक है। तो आप लोग को पता है आप लोग का पेपर 70 मार्क्स का पेपर होता है। अब बात करते हैं कि ये जो पूरी पीडीएफ है ये इसको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी, डाउनलोड फ्रॉम माय टेलीग्राम ग्रुप, तो जल्दी से जाओ। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक कहाँ दिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए, और अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन सर्च ड्रीम्स लर्निंग ऑन टेलीग्राम, सो यू कैन सर्च ड्रीम्स लर्निंग ऑन टेलीग्राम, तो वहां से आप लोग को सभी चीजें मिल जाएगी। इसी तरीके से इफ यू वॉन्ट की दीदी दूसरे सब्जेक्ट का भी सिलेबस रिड्यूस सिलेबस की वीडियो लेके आइए, तो डू लाइक मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी जल्दी यार कमेंट से पूरा कमेंट सेक्शन भर दो, सभी के साथ शेयर करना, जितने जल्दी मुझे कमेंट रिसीव होंगे उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट आप लोग के सब्जेक्ट की वीडियो रिड्यूस सिलेबस की लेकर आ रही हूँ। टिल देन कीप लर्निंग, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और वो नोटिफिकेशन जो पाया है ना उसको यार प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अगर वो भूल गया ना तुम तो तुम्हारे दिल की घंटी नहीं बजेगी जब मेरी वीडियो आएगी। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।